नीट यूजी 2024 नीट टेस्ट का रिजल्ट 1 जुलाई को घोषित कर दिया गया। परीक्षा का आयोजन 7 केंद्रों पर एनटीए की ओर से 23 जून को किया गया था। एग्जाम में कुल 813 विद्यार्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षा उन 1563 विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। द्वारा परीक्षा में शामिल नीट टॉपर 720 नंबर नहीं प्राप्त कर सके। 4 जून को घोषित रिजल्ट में कुल 6 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिले थे और ई टेस्ट में इनमें से 5 शामिल हुए थे। दोबारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद नीट यूजी में टॉप रैंक साझा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई है। संशोधित परिणाम 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद घोषित किए गए जिन्हें पहले 5 मई को 6 केंद्रों पर परीक्षा देर से शुरू होने के कारण समय की हानि की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। चंडीगढ़ एग्जाम सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। वहीं हरियाणा के झज्जर केंद्र पर 494 उम्मीदवारों में से 287 परीक्षा में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में 291, गुजरात से 1 और मेघालय से 234 विद्यार्थी रीटेस्ट में शामिल हुए थे। याद रहे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 5 मई को नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन देश भर में निर्धारित 4750 केंद्रों पर किया गया था। एग्जाम में करीब 24,00,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। पहली बार नीट यूजी परीक्षा में 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिले थे जिसे लेकर बवाल चल रहा है। फिलहाल नीट यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है।